पीएम मोदी की बायोपिक में हुई है टर्बोमन ईरानी की एंट्री, निभाएंगे ये अहम किरदार। बॉलीवुड में इस वक्त बायोपिक फिल्मों का दौर चल रहा है। बीते दिनों ही ये घोषणा हुई है कि जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनने जा रही है। फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। फिल्म में विवेक ओबेरॉय लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में कई स्टार्स दिखने वाले हैं। अब लीजिए फिल्म में एक और नई एंट्री हुई है। दरअसल फिल्म में जल्द ही बोमन ईरानी भी नजर आएंगे। अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दिल जीतने वाले बोमन इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक फिल्म में बोमन ईरानी बिजनेसमैन रतन टाटा के रोल में देखेंगे। बता दें कि 17 फरवरी से ही बोमन ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस वक्त फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद में चल रही है। फिल्म से जुड़ने के बाद बोमन ने कहा, जब भी मैंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो बहुत से लोगों ने कहा कि मैं रतन टाटा से मिलता जुलता हूँ। फिल्म में ऐसा ही मेरा कैरेक्टर होगा। मुझे उमंग से जब इस रोल के लिए कॉल आया तो मैंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं हमेशा सोचता था ये किरदार मुझे निभाने को मिले। फिल्म में मेरा किरदार छोटा होगा लेकिन रोल दमदार और अहम है। इसके साथ ही बोमन ने बताया कि रतन टाटा ने गुजरात में नैनो प्लांट लगाया था जिसने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह पहलू हमारी कहानी का एक हिस्सा है। वो बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। फिल्म में उनका रोल निभाने के लिए मैं इन दिनों उनके वीडियो और ऑडियो क्लिप को ऑनलाइन देख रहा हूं, जो अधिकतर सम्मेलनों के भाषण हैं। बता दें कि इस फिल्म में कई कलाकार नजर आएंगे। फिल्म में मनोज जोशी अमित शाह के रोल में दिखने वाले हैं। बीते दिनों ही उनका फिल्म से लुक भी सामने आया था जिसमें वो बिल्कुल उन्हीं के जैसे नजर आ रहे थे। फिल्म पीएम मोदी की महावीरा बेन का रोल एक्ट्रेस जरीना वहा प्ले करती देखेंगी, तो वहीं पीएम की पत्नी जशोदा बेन का रोल टीवी एक्ट्रेस बरखा बिष्ट प्ले करने जा रही हैं। इस बायोपिक को सरबजीत और मैरी कॉम वाले डायरेक्टर उमंग कुमार ही डायरेक्ट कर रहे हैं।